हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी द वंडरफुल्स में। तो जैसे कि हम हमारे पिछले वीडियो में मनाली टू जिस्पा रोड ट्रिप की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको हमारे जिस्पा में बिताए हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन मोमेंट्स को शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ ही आप जिस्पा में कहाँ घूम सकते हैं, जिस्पा में आप कहाँ पे सुकून भरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जिस्पा के 10-15 किलोमीटर की रेंज में आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बता दें कि जैसे ही आप जिस्पा से करीब 2 किलोमीटर पहले आप पहुंच जाते हैं, वहीं से आपको काफ़ी सारी कैंपिंग साइट्स और इसके अलावा काफ़ी सारे रंग बिरंगे होटल्स और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा जो ये ह्यूज माउंटेन्स हैं उनके साथ में ये पूरा नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देने वाला है। और इस पूरे एरिया में आप अगर आप कैंपिंग साइट्स पर रुकना चाहें वहाँ भी रुक सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको जिस्पा में काफ़ी सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जिस्पा में नाइट स्टे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो आप जिस्पा में घूम के नाइट तक आप मनाली वापस भी इजीली पहुंच सकते हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि जो जिस्पा की जो मोनेस्ट्री है वो आपको इस वीडियो में दिख रही है, और इससे थोड़ा सा आप आगे जाते ही जो भागा नदी है जिस्पा में बहने वाली, उसके तट पर आप पहुंच जाएंगे। ये एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम साफ पानी वाली नदी, और उसके साथ में जो बैकग्राउंड में आपको ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज माउंटेन्स दिख रहे हैं, ऐसा नज़ारा आपको मनाली या फिर मनाली के आसपास कहीं भी नहीं दिखने वाला। तो इस नदी के तट पर बहुत ही ज़्यादा सुकून भरे पल आप अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर अकेले भी यहाँ बिता सकते हैं। और हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि यहाँ बिताया हुआ हर एक मोमेंट ना सिर्फ आपको बहुत ही अच्छी वाली सुकून वाली फीलिंग देगा, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। आप यहां देख सकते हैं कि जिस्पा में जो मौसम है वो कभी भी अचानक से पलट जाता है। जब हम यहां पे शाम के वक्त जब फर्स्ट डे पे हम यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो कुछ देर पहले बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं था, और अचानक से आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं उन्होंने जो बड़े बड़े पहाड़ आपको दिख रहे हैं उन्हें काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। और इसी के साथ जो टेम्परेचर था उसमें भी हमें सडन ड्रॉप देखने को मिला, और उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो उस दिन हमने हमारी जो ट्रिप थी उसको वहीं पर एंड किया और हम फिर होटल की तरफ आ गए। और फिर जो नेक्स्ट डे था उस दिन हमने जिस्पा को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये मौसम पूरी तरह से खुला हुआ था, तो ये जो हमारे होटल का गार्डन है वहाँ पे हमने कुछ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। दोनों तरफ के जो ये बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं उनके साथ जितना भी टाइम हमने यहाँ पे मॉर्निंग में स्पेंड किया वो हमेशा के लिए जो हमारी मेमोरीज हैं उसमें बहुत ही सुंदर यादों के तौर पे वो सेव हो चुका है। और जिस्पा में हम जहाँ रुके और इसके अलावा भी जिस्पा में जो अदर जो स्टे ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम जल्दी ही हमारे चैनल पे एक वीडियो नया अपलोड करेंगे आप सभी के लिए। और इसके साथ ही जो मनाली के जो बाकी के ऑफबीट प्लेसेस हैं और जो मनाली टू ले हाईवे का जिस्पा से जो आगे वाला जो पार्ट है उसके बारे में भी हम जल्दी ही हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे होटल का जो गार्डन था उसमें काफ़ी सारा एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम फाइनली जो जिस्पा की मोनेस्ट्री है उस तरफ आ गए, जो हमारे होटल से एकदम पास में ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस्पा की जो मोनेस्ट्री है उसके अंदर हम आपको इस वीडियो में थोड़ी देर बाद लेकर चलेंगे, लेकिन जो इस मोनेस्ट्री के आसपास का जो इलाका था उसे हमने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मोनेस्ट्री के पास एक थोड़ी सी फ्रेश स्नो यहाँ पे बची हुई थी, उसके साथ भी हमारी बेटी इयाना ने काफ़ी इन्जॉय किया। और मोनेस्ट्री के पास भी कुछ यहाँ पे आपको कुछ स्टे ऑप्शंस जैसा दिखता है, हालांकि जब हमने जिस्पा की ट्रिप की थी उस टाइम पे ये ओपन नहीं थे। और फिर फाइनली हमने मोनेस्ट्री से थोड़ा सा आगे जाकर जो भागा नदी का जो तट है उसी पर थोड़ा टाइम और स्पेंड करने का डिसाइड किया। आपको बता दें कि जिस्पा में जो भी एक्सपीरियंस हमने लिए उसमें से जो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था वो इतनी ये जो खूबसूरत सी बहती हुई भागा नदी है, और उसके साथ में ये जो चारों तरफ के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो व्यूज़ हैं उनके साथ जो हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया वो हमारे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो अगर आप मनाली में भी हैं और अगर आप मनाली से लेह की तरफ लेह तक नहीं जाने वाले हैं तो भी हमारे अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट एक दिन जिस्पा के लिए सेव करके रखना चाहिए अपनी मनाली की ट्रिप में,
क्योंकि जो जिस्पा की वैली है वो मनाली के आसपास की जितनी भी वैली आपको देखने को मिलती है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और सुकून से भी भरी हुई है। तो आपकी जब भी आप मनाली ट्रिप प्लान करें तो उसमें एटलीस्ट एक दिन तो आपको जिस्पा के लिए सेव करके रखना ही चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जिस्पा की मोनेस्ट्री है हम उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ हालांकि जो मोनेस्ट्री है वो इतनी बड़ी मोनेस्ट्री नहीं है कंपैरेटिवली जो बाकी की मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स भी आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे दर्शन करने के कुछ देर बाद हमने जो आगे जो दारचा विलेज है जिस्पा से सिर्फ 10-12 किलोमीटर आगे, वहाँ तक जाने का डिसाइड किया। आप देख सकते हैं कि दारचा से कुछ टाइम पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत सा ये नज़ारा आपको दिखाई देता है। ये जो शानदार व्यू है वो आपको दारचा ब्रिज से सिर्फ करीब 1 किलोमीटर पहले दिखाई देता है, जहाँ पे आपको भागा नदी के साथ जो आसपास के जो माउंटेन्स है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के स्टोन्स, और ये काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए आपको दिखते हैं। और फिर फाइनली आपको दिख जाता है दारचा ब्रिज, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दारचा ब्रिज से जस्ट कुछ देर पहले हमें कुछ स्नो भी मिली सड़क के दोनों तरफ, और उसके बाद इतना जो ये विशाल ब्रिज है भागा नदी के ऊपर बना हुआ, उस पर चलना भी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और दारचा में फिर ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको जिगजैग जो रोड है उसके बाद आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक उसमें से आपको शिंकुला होते हुए जो करगिल की तरफ जाता है वो रास्ता, और दूसरा आपको लेह की तरफ लेके जाता है जो बारालाचा पास है और सरजू है उससे होते हुए। आप देख सकते हैं कि जिस समय हमने ये जिस्पा की ट्रिप की थी उस टाइम पे दारचा से आगे व्हीकल अलाउड नहीं थे, हालांकि अभी ये पूरी तरह से ओपन है और आप लेह तक भी इजीली इस रास्ते से जा सकते हैं, और इस और अगर आप शिंकुला की तरफ भी जाते हैं तो वो रास्ते भी अभी पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जो मनाली टू लेह हाईवे का जो नेक्स्ट पार्ट है जिस्पा टू बारालाचा पास, वो भी उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी हम हमारे चैनल पर जल्दी ही अपडेट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा क्योंकि उस टाइम पे दारचा से आगे व्हीकल अलाउड नहीं थे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। इतने खूबसूरत नज़ारों वाली जो ये रोड है यहाँ पे हमने कुछ देर टाइम स्पेंड किया, और ये मतलब इस रोड पे चलते हुए जो इतने ह्यूज माउंटेन्स आपको आपके एकदम बगल में दिखाई देते हैं उसके साथ जो एक पूरा एक नज़ारा होता है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से इन बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने यहाँ पे दारचा में कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर फाइनली हम मनाली की तरफ निकल गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस्पा में एज ए टूरिस्ट प्लेसेज आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप मनाली की भीड़ से दूर बहुत ही एक सुकून भरा कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ, तो आपको जिस्पा की ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जिस्पा से रिलेटेड या फिर मनाली टू जिस्पा जो पूरी रोड ट्रिप है उससे रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।